श्रीनिवास सेवार्थ न्यास से जो है कुछ बच्चे आए हैं और वो जो है गुरुकुल है उनका, वहाँ से आए हैं ये, और अब जो है और भी मोहक करने वाले हैं वो वातावरण को। वैसे भी जब हम पेड़ों के नीचे बैठे हों तो ईश्वरीय तत्व का आभास कहीं ना कहीं हमें होता है, और जब साथ में मंत्रोच्चारण की ध्वनियाँ अगर सुनने को मिल जाएं तो कितना पावन दिन हो जाता है। तो मैं स्वागत करती हूँ इन बच्चों का, आप भी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए। आपके बीच में आए हैं ये श्रीनिवास सेवार्थ न्यास से, जिसका उद्देश्य है शिक्षा, सेवा और साधना, और संस्थापक हैं वैकुंठवासी स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी। तो ऐसे पुनीत पावन संस्थान से आए ये बच्चे हम सभी के सामने मंत्रोच्चारण कर इस माहौल को और अधिक पावन और पुनीत करने वाले हैं। ओम मा स्वस्तिर्न इन्द्र वृद्धसरावाः स्वस्तिर्न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्षो अरिष्टानेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृशनीमा तारः शोभञ्जावानो वेदादे को जगमायाः अग्निजिह्वा विश्वेनो देव आवासागमन्निह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम क्षाविर्जातराः स्थिरैरङ्गै तुष्टो वाग्मुजस्तानो ब्रव्यासे जादायोः शातामिन्नो शारदो अन्तिदेव जतरानश्चकराजारसन् तानूनाम् पुत्रासो जतरा पितारो भावन्ति मानो मदियारीरिकाता युर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तारिक्षामादित्रं माता च पिता च पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजाना आदितिर्जा तामादितिर्जानितवम् द्यौः शान्तिरन्तारिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोखदायाः शान्तिः वानसपातायाः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि हरिः ॐ मा सुशान्तिर्भवतु। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ सन्नो मित्रस्सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः। गणनान्त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोदिभिः सीदसादनम्।
गणपत्यै नमः। ॐ पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनाम वित्र्यवतु हरिः ॐ सुशान्तिर्भवतु। में भी आपने महसूस किया होगा कि वो पावनता जो मंत्रों में है वो आवाज में भी आ जाती है कहीं ना कहीं, बहुत ही प्यारा एहसास। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए हो जाएं।